सो हाई फ्रेंड्स, वेलकम टू बंटू टेक टिप्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो के टॉपिक से तो आपने देख ही लिया होगा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी सारे ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। एंड आप में से बहुत सारे लोगों की कन्फ्यूजन थी कि क्या मैं अभी आने वाले ग्राफिक्स कार्ड के लिए वेट करूं, जो कि RTX 2060 है या 2050 है, या फिर अभी एग्जिस्टिंग 1060 परचेज कर लूं, या फिर AMD में जो RX 580 है वो परचेज करना वर्थ रहेगा या नहीं। तो सारी इन कन्फ्यूजन्स को दूर करते हुए तो है मैंने आज ये वीडियो बनाने की सोची है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, फिर यहाँ पे फर्स्ट मैं स्टार्ट करना चाहूँगा बजट सेक्शन से। यानी अगर हम लोअर एंड कार्ड्स में देखें तो यहाँ पे AMD और NVIDIA बोथ साइड में ही हमें काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स कार्ड परचेज करने के लिए मिल जाते हैं। बट अगर देखा जाए तो जो हमें प्राइस टू परफॉर्मेंस का रेशियो बेस्ट ऑफ बेस्ट डिलीवर कर रहा है वो है, आई थिंक आप में से सारे लोग ही जानते होंगे, NVIDIA का GTX 1050 Ti 4GB वाला ग्राफिक्स कार्ड। तो NVIDIA ने ये ग्राफिक्स कार्ड जो है आई थिंक मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी जो है स्पेसिफिकेशंस के साथ निकाला था, एंड मोर देन जो लोग हैं उन सबकी जो आई थिंक रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करता है, चाहे वो गेमिंग है या फिर थोड़ा बहुत वो एडिटिंग वगैरह करना चाहते हैं, दोनों ही साइड में। अब यहाँ पे बात करते हैं फ्रेंड्स थोड़ा और अपर साइड, अगर थोड़ा और पैसा इन्वेस्ट करा जाए तो कौन सा ग्राफिक्स कार्ड हमें मिल सकता है। ऑब्वियसली NVIDIA का GTX 1060 3GB वाला ग्राफिक्स कार्ड, जो कि मुझे समझ नहीं आता NVIDIA ने क्यों ही लॉन्च करा था। बाकी जो सेकंड ऑफ द ग्राफिक कार्ड है वो है NVIDIA का GTX 1060 6GB वाला ग्राफिक्स कार्ड, जो है हमें नेक्स्ट हमारे दिमाग में आता है कि ये परचेज करना सही रहेगा परफॉर्मेंस वाइज एंड प्राइस के हिसाब से भी। तो जहां तक फ्रेंड्स इसके अल्टरनेटिव AMD की बात करी जाए तो AMD में भी जो ग्राफिक्स कार्ड अवेलेबल है दैट इज आई थिंक RX 580 8GB वाला ग्राफिक्स कार्ड। तो वहाँ पे हमें दोनों ही साइड में काफ़ी अच्छी जो है परफॉर्मेंस मिल जाती है, बहुत ही कॉम्पिटिटिव कार्ड हैं आपस में। बट अगर NVIDIA की साइड में देखा जाए और गेम्स में इसकी परफॉर्मेंस देखी जाए तो आई थिंक 1080p के रेजोल्यूशन पे मोस्टली आपको हाई टू अल्ट्रा सेटिंग्स में बहुत ही अच्छे फ्रेम रेट्स देखने के लिए मिल जाते हैं मोस्ट ऑफ द गेम्स में। NVIDIA का जो GTX 1060 है काफ़ी अच्छी जो है परफॉर्मेंस डिलीवर करता है। बट ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए जो AMD का ग्राफिक्स कार्ड है RX 580 8GB, वो हाँ कुछ गेम्स में जो है कम परफॉर्म कर रहा है जैसा कि NVIDIA कर रहा है, बट अगर थोड़ा रेजोल्यूशन को बढ़ा दिया जाए, यानी अगर हम 2K के रेजोल्यूशन पे 1440p के जो है रेजोल्यूशन पे चले जाते हैं तो वहाँ पे NVIDIA के 1066GB के मुकाबले जो RX 580 8GB का ग्राफिक्स कार्ड है वो हमें थोड़ी और सिग्निफिकेंटली बेटर परफॉर्मेंस देता है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए 1080p के रेजोल्यूशन पे मोस्टली जो गेम प्ले करना पसंद करते हैं तो उनके लिए NVIDIA का GTX 1060GB जो ग्राफिक कार्ड है वो आई थिंक मोर देन सफिशिएंट रहेगा और काफ़ी अच्छा है प्राइस टू परफॉर्मेंस के हिसाब से। यहीं पे ऑन द अदर हैंड अगर आप उतने ज़्यादा रेजोल्यूशन पे गेम को प्ले करना चाहते हैं, इवन अगर आपका फ्यूचर में डिसीजन है कि मैं 2K या 4K का मॉनिटर परचेज करूंगा और उस पर गेमिंग करूंगा, तो वहाँ पे आपके लिए फिर RX 580 8GB एक आई थिंक मेरे हिसाब से रिकमेंडेड ग्राफिक कार्ड हो जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स AMD ने एक और नया जो ग्राफिक्स कार्ड लॉन्च कर दिया है 12 नैनोमीटर की फिनफेट प्रोसेस पे, जो कि RX 590 8GB का ग्राफिक कार्ड। अगर स्पेसिफिकेशंस के मामले में देखा जाए तो वो आई थिंक लगभग सिमिलर ही है RX 580 8GB के मुकाबले, बट वहाँ पे आपको थोड़ी हायर क्लॉक फ्रिक्वेंसीज मिल जाती है और वहाँ पे वो उसको ऑलराउंडर ग्राफिक कार्ड बना देता है, चाहे 1080p का रेजोल्यूशन है या फिर 2K का रेजोल्यूशन है, जहाँ पे वो पहले लैग कर रहा था NVIDIA के 1060 6GB के मुकाबले। तो मेरे हिसाब से जो AMD है उसने ये कार्ड भी काफ़ी अच्छा निकाला है, बट मुझे नहीं लगता कि अब जो है ये परचेज करना वर्थ रहेगा जबकि NVIDIA अपने अपकमिंग RTX ग्राफिक कार्ड लॉन्च करने वाला है। तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये क्वेश्चन भी है कि क्या हमें RTX का जो 2060 ग्राफिक कार्ड आने वाला है उसके लिए वेट करना चाहिए। पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा मुझे नहीं लगता कि जो उसके आगे RTX लगाया जा रहा है वो असल में RTX होगा और बिल्कुल ही वो आई थिंक रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी के साथ नहीं आने वाला है, क्योंकि NVIDIA उसे बजट मार्केट में जो है डिलीवर करने वाला है। तो वहाँ पे आपको बेटर परफॉर्मेंस तो मिलेगी, चाहे वो गेम्स है या फिर आपकी एडिटिंग है या आपका कोई भी काम है, तो उसके लिए आपको डेफिनेटली वेट करना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर आप कर सकते हो तो। बाकी अगर आपको कोई अर्जेंसी है कि यार मुझे अभी पीसी बिल्ड करना है और फ्यूचर प्रूफ भी रहना है, तो वहाँ पे आपको फर्स्ट तो ये डिसीजन करना है कि आप 1080p के रेजोल्यूशन तक ही सीमित रहना चाहते हैं या फिर फर्दर आपने रेजोल्यूशन को बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप 1080p हाई तक रहना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से 1066GB का ग्राफिक कार्ड आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है और अभी की जो मोस्ट ऑफ द गेम्स हैं आई थिंक वो 4GB या फिर 4.5GB से ज़्यादा की VRAM यूज़ नहीं करती हैं। तो इन फ्यूचर आपके पास जो है थोड़ा बहुत और रैम का स्पेस वहाँ पे बच जाता है, यानी अगर फ्यूचर में भी कोई गेम्स आती हैं तो आई थिंक आपका ग्राफिक कार्ड जो है मोस्ट ऑफ सपोर्टेबल आपको वहाँ पे गेम्स प्ले करने के लिए दे देगा। बट जहाँ तक बात है अपर रेजोल्यूशन की, तो RX 580 8GB का ग्राफिक कार्ड इस वक्त पे परचेज करना हायर रेजोल्यूशन के लिए मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन रहेगा।
क्योंकि वो आ जाता है लगभग 21,000 रुपए के आसपास, और 1060 का 3GB अवेलेबल है आई थिंक 19,000 रुपए के आसपास, 1066 GB आपको मिल जाता है 24,000 रुपए के आसपास, और जो नया RX 590 आया है वो है 27,000 रुपए के आसपास। तो मेरे हिसाब से जो RX 590 आया है और 580 है उसमें परफॉर्मेंस का इतना ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। अगर हायर रेजोल्यूशन की बात करी जाए मेनली, तो आपको 6,000 रुपए सेव हो जाएंगे, जो कि अभी 1066 GB के मुकाबले भी सस्ता आपको पड़ रहा है RX 588 GB का ग्राफिक कार्ड सफायर नाइट्रो प्लस में। MD कंप्यूटर्स पे आपको जाके मिल जाएगा, बाकी सारे लिंक्स जो है आपको चीपेस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, फिर मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ी हेल्पफुल रही होगी कि आपको जो है किस ग्राफिक्स कार्ड के लिए वेट करना चाहिए या कौन सा वाला आपको इस वक्त परचेस करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बजट में आप जो है 1050 Ti परचेस कर सकते हो, एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूंगा, मिड रेंज में आप 1066 GB का ग्राफिक कार्ड अभी भी परचेस कर सकते हो 24,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे, और हायर रेजोल्यूशन पे जा रहे हो तो RX 588 GB के साथ 21,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पे आई थिंक बेस्ट बैंग फॉर बजट रहेगा इस वक्त पे परचेस करना। तो फिर फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन दबाकर मुझे जरूर बता दीजिएगा, किसी भी से अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक बटन भी आप दबा सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही साथ वो बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियोस आए तो आप नोटिफाइड रहे। मैं मिलता हूं आपसे ऐसे किसी अगले वीडियो में।